वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। हम अक्सर बच्चों को ये कहते रहते हैं कि भाई इसकी ईटिंग हैबिट्स कुछ इतनी अच्छी नहीं है, ये खाने पे आता है तो खाते चला जाता है, और ये तो जनाब खाती ही नहीं है, और ये तो देखे ना कितना कितना ये बच्चा हमारा वीक है, और ये जो हमारी गुड़िया है रानी, ये हमारी तो शहजादी, ये तो बस बिंज ईटिंग करती है, बहुत ज्यादा खा, यानी ईटिंग, और कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में खाते हैं। फिर यही हैबिट्स आपकी एज एन एडल्ट पक्की होती चली जाती है और आप उनसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। तो आज हम कुछ बात करना चाहेंगे कि ईटिंग हैबिट्स यानी खाने पीने की आदत होती क्या है। और जोहा अकरम जो एक न्यूट्रिशनिस्ट है, उन्होंने तो हमें यह बतलाया कि भाई ये इसमें बड़ों का या बच्चों का कोई कसूर नहीं होता, माँ बाप बिल्कुल बचपन में जब बच्चा आहिस्ता आहिस्ता से सॉलिड फूड्स की तरफ आता है तब से ही उसकी ईटिंग हैबिट्स बननी शुरू हो जाती है। इंटरेस्टिंग ब्रेन सेल्स है ना, स्टमक के साथ मिलकर और जबान के साथ मिलकर तीन ऑर्गन्स आपकी ईटिंग हैबिट्स बना देते हैं 6 माह से 9 माह तक की उम्र में। इसका मतलब है मैं जो मुझे अगर ये निहारियां खाने और पाए खाने का शौक है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, लेकिन क्या मेरी अम्मा ने मुझे 8 माह की उम्र में पाए खिलाने शुरू कर दिए थे? ये सारे वो सवाल है जो मुझे कंफ्यूज किए दे रहे हैं, इसलिए हमने सोचा जोहा को बुलवा लिया जाए सच पे और उनसे कुछ क्लैरिटी ली जाए। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जोहा अकरम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या मतलब, अब मुझे पाए पसंद है तो ये मेरी अम्मा का कसूर है क्या? बिल्कुल ही नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता है कि 6 to 9 months ओल्ड इन्फेंट्स जो होते हैं, जब हम बेबी होते हैं और हमारी मदर्स जो हैं हमें कुछ सॉलिड फूड जो है उसकी इनटेक देती हैं, चाहे वो पोटैटो प्यूरी हो, वैसे कुछ नेचुरल प्रेफरेंसेस भी होती हैं जिसकी वजह से इंसान की ईटिंग हैबिट्स डेवलप होती हैं। लेकिन वीनिंग जो कि 6 to 9 months की ओल्ड इन्फेंट्स को दी जाती है, जो फूड कॉम्प्लीमेंट्री डाइट दी जाती है, इसमें ईटिंग हैबिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये वही ईटिंग हैबिट्स हैं जो हम सारी उम्र लेकर चलते हैं। और यही वजह है कि कुछ लोगों को मुख्तलिफ ट्रेडिशन सेलिब्रेशन, जिस तरह के ईद आ गई, वेडिंग्स आ गई, बर्थडेज आ गई, उनपे कुछ ज्यादा खाने का शौक होता है, और कुछ लोगों को नाइट ईटिंग सिंड्रोम होता है, मतलब ये कि रात को किसी वक्त उठेंगे और वो बहुत ज्यादा खाने लग जाएंगे, लाइट ऑन किए बगैर फ्रिज खोलेंगे, है ना, और सुबह अम्मा को पता चलेगा कि रात को कोई आया था। हाँ बिल्कुल, और इस तरह बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सेहत बख्श और ताकतवर ब्रेकफास्ट करने की आदत होती है, ये एक बहुत अच्छी ईटिंग हैबिट है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि जो हमारी आदत है वो जिंदगी के पहले 2 साल के अंदर पक्की हो जाती है। बिल्कुल। अब आप जरा बताएं कि ऐसे वो 2-3 कौन सी आदत है जिन जो कि जरा अच्छी नहीं है और उनसे हम छुटकारा कैसे हासिल करें? अच्छा, ईटिंग हैबिट्स के बारे में तो हमने अभी ये बात कर ली, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं आज इस शो के जरिए एड्रेस करना चाहती हूँ हमारे उन व्यूअर्स को जिनको शायद ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में इतना नहीं पता या शायद कम पता है। कुछ तौसीक भाई ऐसा भी होता है कि ये तो सारी बातें नॉर्मल चीजें हो गई कि किसी को रात में खाने की आदत है, सेलिब्रेशंस पे खाने की आदत है, किसी को कोई खास फूड पसंद है, किसी को आइसक्रीम पसंद है, किसी को राइस पसंद है, किसी को बिरयानी पसंद है, किसी को निहारी पसंद है, किसी को पाए पसंद है, ये सब नॉर्मल बातें हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो किसी खास मेंटल डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हमारी फूड प्रेफरेंसेस को, अच्छा, फूड इंटेक को अफेक्ट करती है। ओके, मसलन ये कि किसी पेशेंट को एनोरेक्सिया नर्वोसा, थोड़ा मुश्किल नाम है लेकिन ऐसा है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, बिंज ईटिंग, ये 3 ईटिंग मेन डिसऑर्डर्स हैं जो किसी को किसी मेंटल कंडीशन या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से हो सकते हैं। चलिए एक-एक करके आप जरा हमें मुख्तसरन इसके बारे में बताइए। So, सबसे पहले तो एनोरेक्सिया नर्वोसा की बात करते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा में जो पेशेंट होता है उसकी मेंटल कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि वो चाहता है कि वो ऑब्सेस्ड हो जाता है अपने वेट के साथ, अपनी बॉडी इमेज के साथ और फूड इनटेक के साथ, जिसकी वजह से वो अपने फूड को रिस्ट्रिक्ट कर लेता है। और इसके आगे भी 2 टाइप्स हैं, जिस तरह की पर्जिंग टाइप या रिस्ट्रिक्टिंग टाइप। रिस्ट्रिक्टिंग टाइप में जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा डाइटिंग करने लग जाएगा, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने लग जाएगा, लैक्सेटिव्स का इस्तेमाल करेगा, डाइट पिल्स, यानी वो एक तरह से उसका नफ्सियाती मसला बन जाएगा कि मैंने पतला होना ही होना है, जिसकी वजह से उसकी फूड इनटेक जो है वो ऑल्टर हो जाएगी। इसके अलावा एनोरेक्सिक पेशेंट पर्जिंग बिहेवियर्स वाले भी होते हैं जो कि बहुत खतरनाक है, यानी कि वो सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग कर देते हैं,
सेल्फ इंड्यूस्ड यानी कि खुद से खाना बाहर निकाल देते हैं और इसके मतलब साइंस में अगर सिम्टम्स तो खाते क्यों अगर बाहर निकालना है क्योंकि वो इसके साथ बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं कि उन्होंने बॉडी वेट को अपने कम करना है वो आइडियलाइज करते हैं मीडिया पर्सनालिटीज को सेलिब्रिटीज को कि हमने उनकी तरह गुड लुकिंग और थिन और स्मार्ट लगना है और तौसीफ मैं एक यहाँ पे एक शॉकिंग जो है फैक्ट वो बताती चलूँ बहुत सारी मीडिया पर्सनालिटीज या सेलिब्रिटीज ऐसे गुजरे हैं जिनको ईटिंग डिसऑर्डर था जिसमें मैं विक्टोरिया जस्टिस का नाम लेना चाहती हूँ जो कि फेमस अमेरिकन एक्ट्रेस हैं उनको ईटिंग डिसऑर्डर एनोरेक्सिया नर्वोसा रहा लेडी गागा जो कि फेमस अमेरिकन सिंगर हैं कुछ अरसे के लिए उनको ईटिंग डिसऑर्डर रहा और वो इसके साथ काफी हद बहुत अरसे तक स्ट्रगल करती रही इसका मतलब है कि इस तरह के पेशेंट्स को तो आप जैसे न्यूट्रिशनिस्ट के अलावा साइकोलॉजी के डॉक्टर्स को भी या प्रैक्टिशनर्स को कंसल्ट करना चाहिए बिल्कुल ये मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है जो ईटिंग डिसऑर्डर्स को जो है ट्रीट करती है उसमें साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं मेडिकल डॉक्टर भी होता है न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं डाइटिशियंस भी होती है सबकी मिली जुली एफर्ट होती है जो बड़े टेक्टफुली ईटिंग डिसऑर्डर्स के लोगों को ट्रीट करती है इससे पहले कि हम सेकंड पॉइंट पे जाएं मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि इसका मतलब है कि ये जो मीडिया है और ये जो ब्रांडिंग होती है जो इमेजिंग होती है कि मैंने उस जैसा बनना है और वो मतलब ये भी इसका मतलब है कोई ठीक बात नहीं है इसका मतलब है हमारी स्क्रीन जो है और हमारे हीरोइंस और हमारे हीरो जो एक परफेक्ट बॉडी इमेज दे रहे होते हैं ये भी कहीं ना कहीं गड़बड़ भी कर रहा होता है ना इंस्पिरेशन भी बन रहे होते हैं वो एक अपनी जगह बात ठीक है लेकिन साथ वो आप नफ्सियाती चैलेंज भी लोगों को दे जाते हैं व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट बिल्कुल बिल्कुल इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट और नेगेटिव पहलू लाजमी तौर पर है इसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो अपने बॉडी इमेज और अपने वेट के साथ सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं आइडियलाइज करने लग जाते हैं और क्योंकि आमतौर पर कल्चरल प्रेफरेंस भी ये है ना तौसीफ भाई कि थिन और स्मार्ट लुकिंग लोग जो है वो गुड लुकिंग है या कोई मोटा समवन हु इज चबी हु इज वेरी फैट ही इज कंसिडर्ड कि वो जो है गुड लुकिंग है इतना दिलकश या इतनी उसकी पर्सनालिटी अपीलिंग नहीं है तो ये अलावा बात कि वाकई मोटापा एक बीमारी भी है इसका मतलब ये नहीं है कि जोया जो बात करिए मैं बात कर रहा हूँ आपके यहाँ जी अब आज हमें पता चल गया मोटापे में कोई प्रॉब्लम नहीं है मोटे होंगे वो आपके हेल्थ वाइज लेकिन इसको स्टिग्मा बना लेना और आपके खानदान में या दोस्तों में कोई फरबा जिस्म है कोई मोटापे का शिकार है तो उसको सिर्फ इस बात पे लुक डाउन करना कि तू तो मोटी है तू तो मोटा है और उसको मुख्तलिफ नाम देना बॉडी शेमिंग की कैटेगरी में आता है वो नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके बाद लोग फिर इस तरह के नफसियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं मैं खुद भी ज़ाती तौर पे इस बिलीफ पर यकीन करती हूँ कि तनकीद ब्राय तामीर होनी चाहिए तनकीद ब्राय तनकीद नहीं होनी चाहिए इससे लोग ऑफेंड हो जाते हैं तनकीद ब्राय तहजीक नहीं होनी चाहिए उसका मजाक ना उड़ाए अच्छा जी दूसरा क्या है जी ईटिंग डिसऑर्डर दूसरा डिसऑर्डर है बुलिमिया नर्वोसा ये तीनों डिसऑर्डर बेसिकली बिंज ईटिंग बुलिमिया एनोरेक्सिया आपस में कुछ इंटर रिलेटेड इसलिए है क्योंकि ये है बेसिकली साइकोलॉजिकल कंडीशन या मेंटल डिसऑर्डर की वजह से अब बुलिमिया नर्वोसा में ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो एकदम से बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लग जाता है खाना और उसके बाद उसके अंदर भी पर्जिंग बिहेवियर होता है वो भी सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग कर देता है लेकिन एनोरेक्सिक पेशेंट की बनिस्बत बुलिमिक पेशेंट में एक थोड़ा सा फर्क है वो ये है कि एनोरेक्सिया का पेशेंट जो है वो अंडरवेट होता है अच्छा। जबकि जो बुलिमिक का पेशेंट होता है क्योंकि वो एक वक्त में ज्यादा कैलोरीज भी कुछ वक्त तक तो खा रहा है जिसकी वजह से वो अंडरवेट नहीं होता वो नॉर्मल वेट होता है इसकी वजह से एनोरेक्सिया की बनिस्बत बुलिमिक्स को आइडेंटिफाई करना डायग्नोस करना वो कदरे ज्यादा डिफिकल्ट है फॉर अ डाइटिशियन फॉर अ न्यूट्रिशनिस्ट इवन फॉर अ साइकोलॉजिस्ट कोई भी जो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक रखता है उसके लिए इसको डायग्नोज और ट्रीट करना मुश्किल होगा ठीक है इसके अलावा जाती है बिंज ईटिंग बिंज ईटिंग में ऐसा होता है कि मरीज जो है वो एक वक्त में बहुत ज्यादा खा रहा है और खाने को एज अ कोपिंग मैकेनिज्म ले रहा है अपने किसी स्ट्रेस से रिलीफ के लिए डिप्रेशन से रिलीफ के लिए एंजाइटी एनवाय एंगर और ये जितनी भी इस तरह की फीलिंग्स होती हैं टीम मैच हार रही है तो आप खाना शुरू कर देंगे वो स्ट्रेस है मैंने देखा है मेरी फैमिली के अंदर एक मिसाल है कि क्रिकेट के वो शदीद लवर हैं और अगर अपनी टीम हार रही हो मतलब पाकिस्तान का मैच हो रहा है और पाकिस्तान अच्छा नहीं खेल रहा तो वो फौरन फ्रिज खोलेंगे और फौरन निकाल के कुछ उनको बिंज ईटिंग कहा जा सकता है स्ट्रेस को
एक तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन ये बता दी चलो कि बिंज ईटिंग बेसिकली मतलब ये इस तरह तो हम अक्सर लोग जो है किसी वक्त में ज्यादा खा लेते हैं तो कुछ मतलब जो सिचुएशंस जो है वो नॉर्मल है, लेकिन बिंज ईटिंग में स्पेसिफिकली मेंटल कंडीशन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें मतलब किसी इरेशनल थॉट की वजह से, कोई डिप्रेसिव डिसऑर्डर की वजह से, जिसके लिए फिर खास मेडिकेशंस दी जाती हैं ताकि मरीज पहले उस जो मेंटल जो उसकी जो मेंटल जो उसका जो माइंडसेट बना हुआ है उससे इरेशनल थॉट से जो है वो अपना छुटकारा हासिल करे और फिर ताकि उसकी ईटिंग हैबिट्स जो है वो बेहतर हो। इंटरेस्टिंग। तो आपके पास तो बड़ी दिलचस्प कहानियां आती होंगी है ना कि बज़ाहिर जो है मसला मोटापे का है या बहुत ज्यादा यू नो पतला होने का है और ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन वो जाके कनेक्ट आपके एक नफसियाती किसी मसले से होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इंटरेस्टिंग। अच्छा अब कोई एक दो आखिर में हमारे पास दो तीन मिनट है सेगमेंट के, कोई दो तीन जनरल टिप्स आप ईटिंग हैबिट्स के हवाले से इन तीनों कैटेगरीज को साइड पे रख के, आजकल का देखें स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल तो है इसमें तो कोई शक नहीं, मतलब टेक्नोलॉजी ने सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगियों को और ज्यादा चैलेंजिंग कर दिया है, या तो आज आपने बताया कि हम लोग भी टीवी शीवी भी बैठ के कोई अच्छा काम नहीं कर रहे होते हैं ना, हम वो स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं अपने ड्रामों में अपनी फिल्मों में और लोग फिर उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो हम मीडिया के लोग भी कोई अच्छे लोग नहीं है, आज आपने हमें ये भी बता दिया। नहीं बिल्कुल मेरा ऐसा नहीं है। नहीं आपने कह दिया लाइव शो में आप कुछ नहीं कर सकते, आपने कह दिया तो हमें मानना पड़ेगा, लेकिन दो तीन जोहा कोई दो तीन ऐसी टिप्स जनरल ईटिंग के हवाले से। अच्छा वो तमाम लोग जिनको ईटिंग डिसऑर्डर है उनके लिए इस शो के तवज्जो से मैं ये एक बात जो है कन्वे करना चाहती हूँ ताकि वो लोग जो ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से परेशान हैं। देखिए सबसे पहले तो ईटिंग डिसऑर्डर अगर आपको है तो इसमें परेशानी की बात नहीं है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स साइकोलॉजिस्ट डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि इसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन ईटिंग डिसऑर्डर्स में वो तो आपको ये है कि आप मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपीज में ये है कि पोर्शन साइज पहले शुरू में थोड़ा सा कम कैलोरिक डाइट देते हैं उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा देते हैं, और इसके अलावा फूड प्रेफरेंस को देखा जाता है पेशेंट की, जो चीज उसको पसंद है उसको वो चीज दी जाती है। बिंज ईटर्स जो होते हैं उनको थोड़ा सा बल्की फूड प्रोटीन रिच फूड दे दिया जाता है ताकि उनको फीलिंग ऑफ स्टाइटी फीलिंग ऑफ फुलनेस आए। लेकिन एक बात जो मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें मेडिटेशन फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज का बड़ा रोल है। एक छोटी सी जो है छोटी सी सूरत है सूरत कुरैश, अगर खाने के बाद तीन मरतबा कोई भी शख्स जिसको ईटिंग डिसऑर्डर हो ये सिर्फ तीन मरतबा पड़े तो इसकी फजीलत ये है कि आपको उस खाने से किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। अब मैंने ये बताया ना तौसिक भाई कि ईटिंग डिसऑर्डर में मरीज को क्या लगता है कि ये खाना मुझे नुकसान देगा, और सूरत की फजीलत ये है कि आपको वो खाना नुकसान नहीं देगा जब आप वो पढ़ लेंगे। तो अगर किसी ईटिंग डिसऑर्डर के शख्स को ये बात बताई जाए कि तुम ये सूरत पढ़ो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से तुम्हें शिफाए कामिल मिलेगी, तो उसका जो परसेप्शन उसका जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है फूड को वो ऐसे समझ रहा है कि कोई खतरनाक चीज है उससे उसको रिलीफ मिलेगा तो थोड़ा काम होगा वो रिलैक्स काम डाउन हो जाएगा। ये बताइए कि जो आखिर में कि जो बच्चों का आपने जहां से हमने बात शुरू की थी कि जो वीनिंग हो 6 से 18 माह तक की उम्र के बच्चों को फिर किस तरह की फूड देनी चाहिए, फिर वो केला आलू खैर इस पे हम पूरा सेशन भी कर सकते हैं, लेकिन हमने तो बुजुर्गों से सुना कि पहले 5 साल के अंदर सब कुछ खिलाएं करेले तक खिलाएं बच्चों को ताकि उनके टेस्ट डेवलप हो। इज दिस ट्रू के शुरू में टेस्ट बड्स डेवलप हो जाते हैं? बिल्कुल ऐसा है कि शुरू में ईटिंग हैबिट्स का जो है बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है थ्रू आउट लाइफ। तो इसमें यह है बच्चों को ऐसे सॉलिड फूड दिए जा सकते हैं जिस तरह प्यूरी बना दी कोई एप्पल और बनाना को ब्लेंडर में मिक्स किया, थोड़ी सी बच्चों को शुगर बहुत पसंद होती है चीनी वाले जो आइटम्स हैं वो बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी और साथ एप्पल और बनाना की प्यूरी बनाई वो खिला दी। चावलों के आटे की खीर बहुत जबरदस्त है बच्चों के और लिए जो दी जाती है हमारे कल्चरली तो वो बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा जो है इस तरह की तमाम प्यूरीज और बनाना मैश करके दिया जा सकता है। 8 माह के बच्चे को बनाना के अंदर करेले मिक्स करके दिए जा वो तो 8 माह तो क्या अगर आप किसी भी माँ के बच्चे को देंगे तो उसको रिफ्यूज कर देगा, लेकिन हमारे सब कुछ खिलाया था तभी हमें सब कुछ पसंद है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी इनपुट आपकी थी, खासतौर पर जो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं एक नया टॉपिक था जिसको आज हमने अनफोल्ड किया और फ्यूचर में आपसे मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।